कार्ड नंबर 14912 गुरप्रीत कौर। मित्रों कष्ट होता है तो दूरियां समाधान के लिए कितनी भी क्यों न सही खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार जहां समाधान मिलता है वहां पैसा भी खर्चा उसकी भी भावना खत्म हो जाती है। बस एक ही बार रहता है कि सच में मुझे समाधान मिलेगा, इतना ही चाहिए। इसके बाद दूरी खत्म, पैसे के खर्चे की लिमिट खत्म। मैं एक शेयर कर रहा हूं बहुत बड़ी बात। मेरे साथ हैं गुरप्रीत कौर, जर्मनी रहती हैं। जर्मनी यानी हमारे 1-2 किलोमीटर दूर। हम दिल्ली बैठे हैं तो जर्मनी तो 1-2 किलोमीटर दूर होगी। जर्मनी का और दिल्ली का डिस्टेंस खत्म हो गया जब उनको लगा कि मैं यहां ठीक हो सकती हूं, और जब उनको लगा मेरा कष्ट बहुत बड़ा है तो वो पेट की तकलीफ, छोटी सी पेट की तकलीफ हम कह देते हैं, लेकिन पेट की तकलीफ भूचाल मचा देती है, नाभि अपसेट होती है तो सारी दुनिया हिला देती है। फिर क्या होता है, वही होता है जो गुरप्रीत के साथ हुआ। तो मैं चाहूंगा गुरप्रीत आपके साथ शेयरिंग करें क्या तकलीफ थी और इनकी इतनी दूरी इन्होंने कैसे सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और डिस्टेंस को मिटा दिया, जिद की और चरपड़ी अपना थैला लटका के। तो गुरप्रीत जरा अपनी शेयरिंग दो, कैसा रहता था, क्या तकलीफ थी? जी सर, मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरा जो ये गॉड ब्लैडर वाला एरिया है, ये पेट का ये वाला एरिया बिल्कुल स्टक हो चुका था। यानी कि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, मेरे को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, इवन मैं पानी भी नहीं पी सकती थी ना। अच्छा, बिल्कुल जी, मैं पानी भी नहीं पी पाती थी। तो इतना ज्यादा मतलब बिल्कुल मेरे मुंह में टेस्टलेस हो गया था, मेरा मुंह बिल्कुल टेस्टलेस, कि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, मुझे ये होता था कि मैं ठीक हो जाऊं। मेरा यही था कि मोटिव कि मेरे को कहीं से भी मेरे को मैं ठीक हो जाऊं। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे आपकी और क्या तकलीफ होती थी आपको? सर मैं कुछ भी, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, और अगर मैं कुछ खा भी लेती थी तो मतलब मेरे जस्ट यहाँ पे स्टक रहता था और वो डाइजेस्ट नहीं होता था खाना, मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था। लेफ्ट बॉडी की भी कुछ बता, बिल्कुल लेफ्ट बॉडी में ये भूल गई है जी। मैं चाहता हूँ भूल जाओ लेकिन फिर भी याद करा रहा हूँ। सो नहीं पाती थी ना, मेरे को नींद नहीं आती थी रात में तो, और मेरी जो लेफ्ट बॉडी वाली साइड पे पेन रहता था, मतलब की तो मुझे यहाँ से बहुत रिलीफ। कितना समय हो आपको ये तकलीफ हुई थी? जी मेरे को तो, मैं जर्मन में थी तो मैंने वहाँ पे तो बहुत ट्राई किया, तो वहाँ पे 6-7 हफ्ते तो मैंने ऐसे बहुत ही अपनी लाइफ के सबसे जो मुश्किल टाइम निकाला है जी। तो उसके बाद फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे पॉजिटिविटी मिली, फिर मेरे को लगा कि शायद मैं यहाँ से ठीक हो सकती हूँ। तो फिर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, तो फिर मैं वहाँ जर्मन से फिर 1 वीक के लिए इमरजेंसी मैं इनके पास आई। मैं एक वीक इमरजेंसी। और आपको ऐसे कैसे लगा मैं एक वीक में ठीक हो जाऊंगी? पता नहीं, मुझे लगा शायद कि आपने, जैसे मैंने वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि शायद आप ठीक कर सकते हैं मेरे को। तो फिर मैं वहां से इमरजेंसी, मैंने, मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, पर मैं इमरजेंसी 1 हफ्ते की छुट्टी लेके रिस्क लेके आई हूँ। तो फिर देखिए, अभी भी मुझे, इससे पहले 3-4 दिन पहले भी मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ठीक हो पाऊंगी, पर एंडले दिन मैं बिल्कुल ठीक हुआ। बिल्कुल हारी सब की सब प्रॉब्लम्स मेरी जो है, वो भूख लग रही है अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सारी डिटेल्स आगे बताऊंगा मैं। बाबू जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर, देखो जैसे ये मेरी बेटी है गुरप्रीत कौर, जर्मनी में रहती है, और इसको काफ़ी तकलीफ थी, ये जो पेट की प्रॉब्लम थी, पेट में दर्द रहता था और गांठ सी बनी हुई थी, इसलिए पिछले 1 महीने से बहुत ही परेशान थी। फिर इसको हमने बोला कि कहीं दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र में, और फिर हमने इसको बोला कि आप दिल्ली में कहीं देखो। इसने बोला कि वैसे मैंने ये आरोग्य पीठ है उनका मैंने एड्रेस देखा, इसने मेरे को नंबर दिया कि डैडी यहाँ पर पता करके और मेरे को बताओ। फिर मैं यहाँ पर निशु मैडम है उनसे मैंने कंटैक्ट किया और उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी की प्रॉब्लम है तो क्या उनको यहाँ पर ले आए, तो उन्होंने बोला कि आप पैसा मंगवा लो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। और जिस दिन ये जर्मनी से आई थी, इसको छुट्टी नहीं मिल रही थी कंपनी से, 1 हफ्ते की मेडिकल लीव लेकर आई, और जिस दिन आई इसकी बहुत ही बुरी हालत थी,
और यहाँ पर आके हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे जर्मनी से आई है और इसकी ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखा और सारा इसको इसके बीमारी का जो शुरू से लेके सारे पूरे पॉइंट इन्होंने नोट किए और इन्होंने उसी दिन से ही पिछले दिनों 7 तारीख से इन्होंने उसी दिन से ही रोज की 4-4 न्यूरोपैथी जो शुरू की स्पेशल इनको चेकअप दे के और खुद इन्होंने अपनी इतनी मेहनत करके और आज इस मुकाम पर पहुंची है कि मेरी बेटी बिल्कुल जो है इस आपके सामने ठीक बैठी है। और इसके अलावा गुरप्रीत कौर जर्मनी में रहते हुए इटली स्विट्जरलैंड वहाँ से भी ये इसका जो नापीकरण का इलाज करके करने के लिए गई जी। अच्छा लेकिन मुझे नहीं वहाँ से फर्क पड़ा क्योंकि वहाँ पे मुझे अपना सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने तभी मैं इमरजेंसी आपके पास आई और मैं इतनी स्ट्रेस में थी मेरे को इससे इतना ज्यादा स्ट्रेस में मुझे लगता था कि शायद मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगी जिस तरह से मेरी कंडीशन थी कि मैं ठीक भी हो पाऊंगी कि नहीं। और जर्मनी से इटली गई, इटली से 3-4 दिन ये वहां पर रही और इसने नापीकरण का ट्रीटमेंट करती थी तो एक दफा ट्रीटमेंट करने के 25-25 यूरो लेते थे वो। अच्छा। उसके अलावा फिर वहाँ भी इसको नहीं ठीक हो पाई है इसे के फिर हमारे जो दामाद है उनका कि ये दोस्त था जो डॉक्टर साहब थे स्विट्जरलैंड में रहते थे उन्होंने बुलाया उन्होंने भी जाके उधर देखा इसको एक दो दिन ट्रीटमेंट किया उन्होंने 90 यूरो उन्होंने लिए उन्होंने इसे और 2-3 दिन इलाज किया फिर भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद रोगिया फिर जर्मनी वापस आ गए और जर्मनी आके इसने रोगिया पीठ का ये जो एड्रेस देखा और यहाँ कंट्रैक्ट करने के बाद यह इंडिया में आई और यहाँ पर आके डॉक्टर साहब से ये अनुरोध किया और सारा इनको दिखाया और आज देखो मेरी बेटी जो है बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक करके यहाँ से इसको छुट्टी दे रहे हैं। एक बड़ी बात मैं आज शेयर करना चाहूँगा इनको क्या ट्रीटमेंट दिया है तो बताऊँगा ही। इनके पास 6 दिन का समय था मतलब इनकी घड़ी उल्टी गिन रही थी क्योंकि कल इनकी दोपहर की फ्लाइट है जो इन्होंने जाना है तो आज छठा दिन पांचवा दिन आज पांचवा दिन है। डे फर्स्ट ट्रीटमेंट किया दिमाग पर प्रेशर ये था क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ये था वहां भी ठीक नहीं हुई वहां भी ठीक नहीं हुई यहां भी 3 ट्रीटमेंट लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा तो दिमाग में और ज्यादा एंजाइटी आ गई। अगले दिन ट्रीटमेंट लेने से पहले ही कंडीशन रख दी मुझे कोई रिलीफ नहीं है। पहले दिन था ये भूखी थी सुबह से कुछ नहीं खाया पहले दिन कुछ नहीं खाया हमने पूरी जोर लगा ली मैं भी चला गया लेकिन इनको जो भी था चली गई वापस आया। अगले दिन इनका मूड था ट्रीटमेंट नहीं लेना लेकिन फिर हमने समझाया कल नहीं खाया था आज कर लो तो सुबह नाश्ता तो करके आई लेकिन आज लंच दोपहर को 12-1 बजे होना था वो 12-1 बजे की जगह 4 बजे लंच हुआ वो भी हमारे कहने पर उस दिन भी खराब हो गया। उस दिन 6 ट्रीटमेंट दिए मैंने खुद जाके लग गया लेकिन वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि एसिड तो बन रहा है और दिमाग में एसिड दूसरा घूम रहा है मैं ठीक नहीं हो रही यही था। जब तीसरे दिन आई उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे अब ट्रीटमेंट नहीं लेना है यही था ना जी। मैंने यहाँ तक सोच लिया था कि मैं मना कर दूं कि मैंने नहीं करवाना है। अब मैं सोचा क्योंकि ये ठीक होने वाली है मुझे पता है कि इनका ये जो नाभि चक्र है नाभि चक्र का संबंध ब्रेन से होता है और ये कंटिन्यू एंजाइटी में थी और मुझे बार बार कह रही थी मेरे पास दिन नहीं है मेरे पास समय नहीं है और मुझे तो जाना ही है मेरी नौकरी कैसा हो जाएगा। फिर मैं तरीका अपनाया इनके हस्बैंड को फोन लगवाया जर्मनी से मैंने कहा फोन लगाओ क्योंकि जब तक ये मोहल्ला खाली नहीं होगा मैं ट्रीटमेंट करूंगा कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो 4th दिन इनके साथ कन्वर्सेशन हुई और मैंने उनको कहा मैंने कहा आपने जो डिसीजन देना दे दो कहना भाई तू वहीं रह मैं नहीं बुलाऊंगा ये कर मतलब लेकिन तू चिंता मत कर मतलब हार्ड स्टेप्स लो। और इनको मैंने बोला नेगेटिव सोचो कि मैं नहीं ठीक होंगी भाड़ में गया पैसा मैं नहीं ठीक होंगी कोई बात नहीं पर जो भी है मैं लेके जाऊंगी ऐसे नेगेटिव करके सोचो क्यों तब तक ये दिमाग खाली नहीं होगा मैं यहाँ काम करूं काम एक्शन में नहीं आए क्योंकि नाभि गड़बड़ थी दिमाग के कारण थॉट्स के कारण से नाभि गड़बड़ थी। जब इनके साथ मेरी बातचीत हुई और जब मेरी वहां जर्मनी बात हुई
और उसके बाद जब ये थोड़ा इनके चेहरे पर स्माइल सी नजर आई, उन्होंने जैसा मैंने कहा वैसा उल्टा सोचा। उसके बाद जब ट्रीटमेंट दिया तो देने के बाद इन्होंने कहा थोड़ा सा पहले दिन ऐसे कहा थोड़ा सा, पर फिर भी सोच रही थी चलो जो भी अब देखा जाके उन्होंने कह दिया। और मैं बार बार कह रहा था, क्या बोल रहा था, आप आइयो, आप किसके ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, बार बार यही बोलता था, यही बोलते थे। लेकिन नहीं होता है, व्यक्ति के पास जब समय निश्चित हो तो प्रेशर रहता है। और जैसे इसने छोड़ा कल, रियल में कल इन्होंने छोड़ा, और कल शाम को, कल दिन दो ट्रीटमेंट के बाद ही इनके चेहरे पर यही हंसी थी जो अभी है, थोड़ी 19 थी आज 21 है। और कल जब ये घर गई, वापस आई आज, तो इन्होंने कहा आई एम फीलिंग बेटर, पर थोड़ा थोड़ा अभी है। मैंने कहा डोंट वरी, आज इसको क्लीन कर देंगे। और आज इनको लगातार 4 ट्रीटमेंट दिए, चौथे ट्रीटमेंट पे इन्होंने कहा आई एम ओके। ये भाई देखो, हम अपने भारत के लोग हैं ना, आपसे तो बात कर लेंगे, ओके बोल दो। ये जर्मनी या बाकी जो लोग रहते हैं ना, वो ज्यादा ज्यादा ही टाइप नट होते हैं, वो बहुत जल्दी बिलीव नहीं लेकर आते हैं किसी के प्रति, है ना। मैं बोलूंगा, मैं डन भाई, अच्छा आ जाओ आप, आज तो तब जाकर ये इनको, जब यहां से रिलैक्स हुई तब इनकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई। और ये जो एरिया पकड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे को अनुभव है बहुत लोगों के कारण, जैसे ही टेंस होती है तो लोग कहते हैं मेरे यहाँ हॉल हो रही है, मेरे यहाँ हॉल हो रही है, मेरा ये पकड़, मेरा बहुत भारी हो गया ये। मुरे को भी एक दो कभी विषयों के कारण जब टेंशन होती थी किसी कारण से, तो तुरंत मेरा ये एरिया जाम होता था, ठक ऐसे करके होता था। मेरी अपनी फीलिंग इस प्रकार की थी, मुझे अनुभव जब हो व्यक्ति को तो सामने वाले के बारे में ज्यादा जानता है। जब मैं सैकड़ों लोगों के नाभि अपसेट होने का कारण दिमाग है, नाभि अपसेट होने का कारण दिमाग है, थॉट है, विचार है, प्रेशर है, ऐसे में नाभि ठीक कैसे हो सकती है जब तक थॉट ठीक ना हो। बस तो थॉट इनके ठीक कराए। और आज गुरप्रीत सच में गुरप्रीत है, पीड़ा प्रीत नहीं है, है ना। तो ऐसे अब मैं ट्रीटमेंट आगे क्या दिया था ये बताऊंगा, उससे पहले आप कुछ अपनी बात। मेरा तजर्बा गुरप्रीत दे नाले ऐसे था, क्योंकि 15 दिन पहले गुरप्रीत का टेलीफोन आया तो मैं दफ्तर में चला गया। अच्छा। तो आपस में कम्युनिकेशन डॉक्टर फादर का हो रहा था। हाँ। तो मैंने बात करी, गुरप्रीत बोलती मेरे को बहुत दर्द है अंकल। मैं कहा ठीक है, फिर मैं मेडिकल की बात करूंगा, मेरे को मेडिकल का नॉलेज था। तो बेटे मेडिकल दिखाओ, कहना कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं इंडिया आ जाऊँ, मैं कह जैसे भी इंडिया आना है अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से पूरी डिस्कस करके, क्योंकि सबसे पहला राइट तो आपके हस्बैंड का है। बिल्कुल। तो बात करके पूरे, फिर सेकेंड जो एक्टिविटी होती है वो पेरेंट्स की होती है, इन्वॉल्वमेंट हस्बैंड ने करी और आपस में कम्युनिकेशन हुआ, तो बात जाके फिर बनी भाई। हाँ, इसने नेट में पूरी मतलब खोज करी योगा पीठ के बारे में, तो उसने डिसाइड करा, वो आई तो जैसे हम देने के लिए गए तो उसकी हालात जो थे वो ठीक नहीं थे, यानी कि दर्द, रोटी नहीं खानी, तो मैं जबरदस्ती इसके साथ बैठ के 2-3 रोटी खा, 4 खा, तो नहीं अंकल नहीं, बड़ी मुश्किल ने इसके पीछे पढ़ पढ़ के इसको रोटी खिलानी, पहले से तो खाई नहीं, पहले तो खाई नहीं इसने। और बाकी इसने सारी एक्टिविटी तो आपसे कॉन्टेक्ट जो हुआ था तो उसने पूरा जर्मन से ही तैयारी करके आई थी। फिर 2 दिन ऐसा ट्रीटमेंट चलता रहा, मैंने पूछना जाके क्योंकि आज कैसे हालात थे, नहीं अंकल कोई मेरे को महसूस नहीं हो। मैं कह चलो हम चलते हैं आज, परसों आपसे जैसे मेरे को जब बात हुआ आपसे तो ऐसा महसूस हुआ नहीं यहाँ पे इस चीज का हल है। फिर मैंने इसको बोला मैं बेटे बात ऐसी है, तो जो 6 दिन आपसे इन्होंने मांगे तो 6 दिन इनको दे दे दो, ठीक हो या ना हो वो छोड़ दे। तो 6 दिन आज तक 5वें दिन है। पांच दिन में कुल गुरप्रीत ने जो ट्रीटमेंट लिए वो कितने लिए, 22 ट्रीटमेंट लिए, 22 ट्रीटमेंट, एक दिन 6 लिए, बाकी दिन 4 लिए।
22 ट्रीटमेंट में आज गुरप्रीत अच्छे हैं। क्या दिया गुरप्रीत को ट्रीटमेंट, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं और मैं दिखाता भी हूं। ट्रीटमेंट सारे वही दिए जो पेट के सेट करने वाले होते हैं, नाभि को सेट करने वाले होते हैं, लेकिन दिमाग सेट ना हो तो नाभि सेट नहीं होती है, ऐसा मैंने आपको बोला। ये गुरप्रीत को हमने शुरुआत में जो ट्रीटमेंट दिए, आपको मैं कार्ड दिखाता हूं यहां भी और ये भी दिखाता हूं, और आज इसने ओके बोल दिया। क्या ट्रीटमेंट दिए, नाभि सेट करने के जो आधारभूत ट्रीटमेंट हमने अपने आरोग्य पीठ ने जो रिसर्च किए हैं, जिनमें FP, FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6 सारे ट्रीटमेंट इनको एक एक करके दिए। एब्डोमन सेटिंग दी, एब्डोमन पेन रिलीफ ट्रीटमेंट इनको दिया, क्योंकि किसी प्रकार से नीचे जाए, और नाभि सेट करने के लिए पूरा ये जो पकड़ा हुआ एरिया था इसको हमने पूरा सेट करने की कोशिश करी। एक दिन फेदर टच भी दिया, लेकिन पहले दो दिन ये सारे प्रयत्न निष्क्रिय रहे, निष्फल रहे। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं था, ट्रीटमेंट में रिजल्ट था, लेकिन कारण जो था वो कारण तब तक डिलीट नहीं हो रहा था। जब तीसरे दिन हमारा डिस्कशन हुआ और तीसरे दिन डिस्कशन के बाद इन्हें हमने जो ट्रीटमेंट दिया वो FP4 और FP5 ये ट्रीटमेंट अप्लाई किया, जिसको हम कोडाइकोना प्लस भी बोल देते हैं, वो हमने ट्रीटमेंट दिया। साथ ही इनके ब्रेन को रिलैक्स करने का ट्रीटमेंट दिया, सेरेनोटेन ट्रीटमेंट दिया, जिससे ब्रेन रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली कूल डाउन होगी, कूल डाउन होगी तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो नाभि जो थी जहां बोली वो अपनी जगह आ जाएगी। हम कितना भी खींचे दिमाग तो उसको खींचे जा रहा था। ये जैसे ट्रीटमेंट देना शुरू किया इनको कूल डाउन होना शुरू हुआ। पहले दिन का एसिड अल्कलाइन एकदम बैलेंस था, बैलेंस नहीं था, हम चेक कर रहे थे तो चेक में वो सेंसलेस था, ऐसा नहीं बैलेंस था, सेंसलेस था, पता ही नहीं चल रहा था। बाद में इनके अल्कलाइन साइड दर्द आया, तब हमने फुल लीवर ट्रीटमेंट देकर के इनके लीवर को एक्टिवेट करना शुरू किया, और जैसे ही एक्टिवेट करना शुरू किया लीवर, इनको भूख लगना शुरू हुई, क्योंकि मस्तिष्क को कूल डाउन किया, लीवर को एक्टिवेट किया, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनका हमने बढ़ाया, जिससे इन जब करीब भूख लग रही, बोले अब तो मैं ठीक हूं। वो भूख लगी क्योंकि हमने उनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ाया, और बढ़ते ही इनको भूख लगने लगी और इनका जो बॉडी थी वो एकदम रिलैक्स होना शुरू हो गई। और आज हमने क्लोजिंग और फाइनल ट्रीटमेंट दिया। क्लोजिंग और फाइनल ट्रीटमेंट क्या दिया, फुल डाइजेस्टिव ट्रीटमेंट दिया, यानी डाइजेशन का संपूर्ण समाधान लास्ट में ट्रीटमेंट किया, जिससे कि ये बार बार इधर उधर हिले ही नहीं, अभी परफेक्ट ही रहे। तो बहुत सारी चीजें हमने इनके साथ अप्लाई करी हैं और अभी ये ठीक है। क्या हम इन चाहेंगे कि ये सावधानी रखें, तो अभी वजन अधिक ना उठाएं जी, नंबर वजन उठाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों जी? अभी चीजें सेट करी हैं, थोड़ा सेट रखनी है। अगर इन्होंने वजन को रोका तो नंबर एक, नंबर दो मस्त और हैप्पी होकर जाना है, क्योंकि अब आपकी नाभि खराब नहीं होगी समझ आ रही है? या इवन क्योंकि मैंने वहाँ जर्मन अपने पूरे टेस्ट करवाए, सारे टेस्ट करवाए, कुछ नहीं आ रहा टेस्टों में, कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर्स मींस कि वो टेस्ट पे टेस्ट करी जा रहे अच्छा। तो टेस्ट पे कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी मैंने कल जाके मैंने सारे टेस्ट इसके सारे यहाँ भी टेस्ट कराए, पूरे टेस्ट इसके नहीं आ रहा, कुछ नहीं, सब टेस्ट नॉर्मल है, सब मेडिकल सब फेल। सब बोल रहे थे कि आप मेडिकल भी करा के देखो, शायद तेरे को लगता है कुछ और प्रॉब्लम हो। हमारा मोटिवेट वो नहीं था, मोटिवेट ये था अगर मान लो पिछले कल के रिजल्ट से अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तो सेकंड ओपिनियन हमारे पास मेडिकल है, तो मेडिकल भी हम लेके चले साथ में, तो मेडिकल तो आज इसने पूरा फेल ही कर दिया। सही बात, तो इस तरह से ये एकदम ठीक हुई है। यहां मेरा संदेश आपके लिए है, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि जब रोग आता है और कहीं भी समाधान नजर आता है तो दूरी खत्म हो जाती है, लेकिन स्टेप लेना बहुत जरूरी है। गुरप्रीत ने यूरोप के कई देशों में नाभि सेट करा के जाने के लिए एक निश्चय किया, पर ठीक जगह का होना भी बहुत आवश्यक है। सारे इन्वेस्टिगेशन इनके ओके, वहां के भी और यहाँ के भी, लेकिन नाभि सेट थी वो ठीक नहीं थी, कोई इनको पकड़ नहीं पा रहा था, तो पकड़ पाए और समाधान मिल गया, भरोसा मुझे भी था।
बार बार मैं कह रहा था उनको डंट वरी आप ठीक हो जाओगे, डंट वरी आप ठीक हो जाओगे, छोड़ो मेरे ऊपर, यही बोलता था नहीं कहता हाँ, और क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये ठीक हो सकती है। ये ऐसी तकलीफें बाकी लोग भी लेके घूमते हैं, फर्क इतना है राइट जगह को सिलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि राइट जगह कौन सी है। आरोग्य पीठ ऐसे के लिए राइट जगह, राइट जगह बिल्कुल। तो आप इनके संदेश को सब तरफ भेजिए, ऐसे लोग जो पेट से रोगी हैं, नाभि से रोगी हैं, डाइजेशन खराब है, पेट दर्द रहता है, ऐसे लोग रोगियों को आप ये मैसेज मैक्सिमम दीजिए, इनका संदेश अधिकतम लोगों के पास पहुंचे। तो ऐसे रोगी जो अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं, और इन्होंने एक शब्द लिखा था, बोला है, मैंने यहाँ लिखा है, ये करें शरीर कि मैं अच्छी फीलिंग्स नहीं है, एक सेंटेंस होता था, मेरे को अच्छी फीलिंग्स नहीं है, ये लिखा है मैंने, अच्छी फीलिंग्स नहीं है जी। मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरी दुनिया खत्म है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मतलब कि बिल्कुल, जब आपकी आपका पेट सही नहीं है, क्योंकि आपका बिल्कुल बॉडी इसकी वजह से आपकी मतलब पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आज कैसा है? आज मैं बहुत खुश हूँ, डॉक्टर साहब ने इतनी एफर्ट्स की है, नहीं बिल्कुल खुद जाके उन्होंने न्यूरोप्लास्टी की ऑपरेशन की है और आपको देखा है। देखो सबसे बड़ी बात, फादर के चेहरे में देखो कितने चमक आ गई है, मेरे को बहुत खुशी है सर आपका काम देखते हुए, जो आपने इतनी एफर्ट्स की है, मैं आप बहुत धन्यवाद सर, टाइम बिल्कुल नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल टाइम नहीं होता, मान लो मैं आधा घंटा भी निकालना, पर ग्रुप के लिए मैंने टाइम बड़ी मुश्किल से निकाला है। मेरा नहीं मानोगे आप, चलते देखो डॉक्टर साहब का काम देखो, डॉक्टर साहब का स्टाफ देखो कितना कोऑपरेटिव स्टाफ है, वो इन्होंने जाके भी उधर जाके जनरल मैनेजर को बताया कि वाकई जी उधर सिलानी ही हो गए, वो आपका कार्ड दिखाया हमने। और एक तो हम सभी जी, हम सभी धन्यवाद करेंगे, मैं खासकर गुरप्रीत को धन्यवाद करूंगा कि आपने आरोग्य पीठ को चुना और आप अच्छे हो। बिल्कुल सर, मैं आपकी थैंक यू सर, आरोग्य पीठ का थैंक यू, मतलब जिनके पास इतने पैसे नहीं है वो इतने लेके आ जाएंगे तो समाधान निकल जाएगा, गरीब आदमी जो है यहाँ पर डॉक्टर साहब उसकी हेल्प कर सकते हैं, डॉक्टर साहब के पास ऐसा समाधान है, तजर्बा मेरा यही तजर्बा गरीब से कर रहा है। हाँ जी, गरीब से गरीब आदमी है वो भी यहाँ पर आके जीवन ले सकता है डॉक्टर साहब की मदद से। हम आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, गरीब आदमी के लिए कंसेशन जरूर दिया करो, ये मेरी पर्सनल राय है। हम सारा परिवार अमृतसर की तरफ से, अमृतसर परिवार, जर्मनी परिवार, श्री गुरु ग्रंथ साहब विद्या केंद्र छतरपुर परिवार, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी बेटी का जान बचा दिया, दूसरा जीवन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सर, बहुत 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 धन्यवाद। थेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।